अस्सलाम वालेकुम जी क्या हालचाल हैं आप सबके और कैसे हैं आप सब लोग आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल और जी आज की वीडियो जो है वो बहुत ही अच्छी है और इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को जरूर लाजमी एंड तक देखिएगा और इसके बिल्कुल मत कीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पर अगर आप मेरे फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बेबीज़ के लिए जो फूड है वो बहुत ही ईजी रेसिपीज़ और अफोर्डेबल यूँ जो कि आप घर में आसानी से बना सकते हैं और बहुत हेल्दी रहती है ये बच्चों के लिए तो यहाँ पे ये जो मैं अभी बना रही हूँ फिलहाल ये साबुदाना बना रही हूँ और ये साबुदाना जो है मैंने इसके लिए एक कप पानी लिया था और उसके अंदर मैंने दो चम्मच साबुदाना डाला था और एक चम्मच जो है वो चीनी टीस्पून चीनी डाली थी और उसके बाद उसको मैंने अच्छे से पका लिया था इतना कि पानी बिल्कुल ड्राई हो गया और उसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ कप दूध ऐड कर दिया और बस इतना पका लूँगी कि जो साबुदाना है वो अच्छे से जो है ना इसके अंदर पक जाएगा और बिल्कुल भी वो खड़ा खड़ा नहीं रहेगा मतलब उसका जो वाइट वाला पार्ट है ना वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है तो इस मतलब होता है कि वो बिल्कुल जो है वो अच्छी तरह से कुक हो चुका है तो अगर आपका बेबी जो है वो अगर मिल्क नहीं लेता अभी दूसरा तो आप उसको जो उसका पाउडर मिल्क है फॉमूला मिल्क है आप वो भी दे सकते हैं इसमें वो भी यूज़ कर सकते हैं तो बस यहाँ पर ये यह हेल्दी जो साबुदाना है वो रेडी हो गया और आप ये बेबीज़ को दे सकते हैं फ्रॉम सिक्स मंथ्स से लेके आप आप 12 मंथ्स के बेबी को दे सकते हैं एक साल के ऊपर के भी आप दे सकते हैं आराम से लेकिन बस ये कि आप चार्ट में थोड़ी क्वांटिटी इसकी कम रखें ताकि बच्चा जो है वो आराम से खाना शुरू कर दे डाइजेस्ट कर सके और जब वो ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट करना शुरू हो जाता है और खाने लग जाता है तो आप इसकी क्वान्टिट्टी बढ़ा भी सकते हैं अच्छा आज जो मैं आपके साथ रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ ना ये आप उन बच्चों को दे सकते हैं जो कि सेवन मंथ्स से ऊपर होते हैं उसके बाद वो एक साल डेढ़ साल या दो साल तक भी आप ये चीज़ें उनको खिला सकते हैं बहुत आराम से और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जैसे एग वग़ैरह वो तो आप मतलब उनको बाद में भी खिला सकते हैं ये हेल्दी चीज़ें होती हैं और इसके अलावा बहुत क्विक रेसिपीज़ हैं ये अफोर्डेबल हैं आप बहुत आराम से बना सकते हैं और बच्चों के लिए हेल्दी भी रहता है तो क्योंकि अब विंटर्स हैं तो ये नेक्स्ट रेसिपी है हाफ़ फ्राई एग की और इस तरह से जो है ना मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लिया है बिल्कुल ताकि ज़्यादा डीप फ्राई ना करूँ मैं और मैंने ये ऑयल ही मैंने देसी घी लिया है इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है एग को मैं फ्राई कर लूँगी और स्पून की से मैं हल्का हल्का सा ऑइल उसके ऊपर डाल रही हूँ और आपने इसको बिल्कुल भी फ़्लिप नहीं करना वरना क्या होगा वो वरना बहुत ऊपर से भी जो है वो ओवर कुक हो जाएगा तो हमें इसको क्योंकि हाफ फ्राई रखना है तो इसलिए मैं हल्का हल्का सा ऑयल ऊपर डाल रही हूँ ताकि ऊपर से भी हल्का हल्का सा ये कुक हो जाए और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ था ताकि जो है एग वो नीचे से ज़्यादा क्रिस्पी ना हो लेकिन अगर इस तरह से जब मैं देती हूँ अपने बेबी को तो हल्का सा फिर भी साइड से जैसे क्रिस्पी हो जाता है तो वो साइड्स मैं निकाल देती हूँ लेकिन जो सेंटर पार्ट है वाइट वाला और इसके अलावा एग योग वो बहुत आराम से खा लेता है और हल्का सा मैंने इसके ऊपर सॉल्ट ऐड करती है अगर आपका बेबी थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी लेना चाहता है तो आप वो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं और विंटर्स में स्पेशली ये जो एग है हाफ फ्राई एग ये बहुत ही अच्छा रहता है बच्चों के लिए अच्छा यहाँ पे मैंने वीडियो में तो दिखा दिया आपको कि थोड़ा सा उस मैंने जिस तरह से मुंह बनाया है और वो इतना शौक से तो नहीं खाता हाफ फ्राई एग या फिर ये इस तरह से आ, हाफ बॉयल एग भी लेकिन मैं उसको ऑमलेट की सूरत में भी दे देती दे दे थी हूं, तो वो उस तरह भी बहुत शौक से खा लेता है तो बस एग आपको देना है बेबी को आप जैसे मर्जी दे सकते हैं लेकिन अगर आपने तो थोड़ा सा हेल्दी वे में देना है तो आप इस तरह से हाफ फ्राई या फिर हाफ़ बॉयल एग दे दें तो यहाँ पर नेक्स्ट रेसिपी है हाफ बॉयल एग की और ये मैंने बिल्कुल इसको तकरीबन जब पानी बिल्कुल बॉयल हो जाता तब मैंने उसमें एग डाला था और आपने सिर्फ उसको तीन मिनट कुक करना है और यहां पे इस तरह से हाफ बॉयलेट जो है वो रेडी हो जाता है नेक्स्ट जो यहाँ पे रेसिपी मैं बना रही हूँ ये है थोड़ी सी स्वीट डिश के तौर पे आप दे सकते हैं बच्चों को और समटाइम्स आपको थोड़ा सा मीठा भी खिलाना चाहिए बच्चों को और अच्छा रहता है उनको भी आदत रहती है थोड़ा सा मीठा खाने की भी तो यहाँ पे मैं बना रही थी सेवियाँ जो सिंपल हमारे घरों में सेवियाँ आती हैं ब्राउन कलर की आपको कोई स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल सेवियाँ लेने की जरूरत नहीं है आप यही वाली लें ये भी बहुत हेल्दी होती हैं आपने इसमें थोड़ा सा देसी घी लेना है पहले थ्री फोर टेबल स्पून उसमें मैंने दो से तीन जो है इलायची डाल दी थी मैंने साबुत ही डाल दी ताकि मुझे उसके जो दाने हैं वो बाद में बेबी के मुँह में न आए तो इसलिए मैंने साबुत ऐसी ही डाल दी है उसको मैंने तोड़ा नहीं है बिल्कुल भी उसके बाद मैंने तो पूरा जो, जो सवैयों का पैकेट था वो पूरा मैंने थोड़ा सा क्रश करके वो इसमें ऐड कर दिया बाद में मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है और जितना से इसको सिंपली हम भूनते हैं मैं वैसे थोड़ा सा भून लूँगी यहाँ पर और जब थोड़ा सा इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा तो मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी बस यहाँ पे इसकी थोड़ी सी मैंने भुनाई कर ली थी और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया है पानी मैंने इस पॉइंट पे इसलिए ऐड किया है क्योंकि जो सवैयाँ यहाँ पे गलेंगी वो सारा ये पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो दूध जो है वो हम बाद में डाल सकते हैं क्योंकि मैंने इस टाइम पर जब उसको कुक करना था तो मैं सवैयों में पानी ही ऐड करूँगी और इससे क्या होगा क्योंकि पानी ने तो ड्राई हो जाना है तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन पाँच से सात मिनट के लिए कुक किया था बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर कवर करके तो ये देखें अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है अब इस पॉइंट पे आप चाहें तो बेबी को ऐसे भी खिला सकते हैं नहीं तो आप थोड़ा सा दूध ऐड करके आप उसको और सॉफ़्ट कर सकते हैं और बेबी को खिला सकते हैं। अच्छा जी तो यहाँ पे नेक्स्ट रेसिपी है अब खिचड़ी की और खिचड़ी जो है वो घरों में बहुत डिफरेंट वेज़ में बनती है अपने अपने स्टाइल में तो लेकिन क्योंकि बच्चों के लिए अगर बनानी है तो थोड़ी सी सिंपल ही रहने देंगे इसको हम तो मैंने यहाँ पे क्या किया था सबसे पहले तो वैसे मैंने दाल और जो चावल है उनको सो करके रखा हुआ है साइड पर मैं जब ऐड करूँगी तो आपको क्वान्टिटी बताती हूँ तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो थोड़ी सी प्याज थी मेरे पास बड़ी साइज़ की थी तो मैंने बहुत थोड़ी सी आप जो सबसे छोटी साइज़ की प्याज होगी ना आपने वो एक ले लेनी है और उसके अंदर मैंने देसी घी ऐड किया है देसी घी बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है आप भी यही ऐड किया करें बच्चों के खानों में और उसमें मैंने थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा कर लिया प्याज को और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया और मैंने पानी डाल दिया और साथ ही पानी के मैंने इसके अंदर हरी छिलके वाली जो मूंग दाल होती है मैंने वो इसमें ऐड की है तो खिचड़ी में ज़्यादातर बच्चों के लिए ना ये वाली दाल ही यूज़ होती है अगर आप चाहें तो सिंपल जो मूंग की दाल होती है छिलके के वगैरह आप वो भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने तकरीबन दो ग्लास पानी ऐड किया था और बिल्कुल मीडियम फ्लेम तो इस पे इसको रख दूँगी थोड़ा सा मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर दिए फ्लेवर के लिए और बस यहाँ पर मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि जो दाल है वो अच्छे से गल जाए और तकरीबन ये पकेगा और यहाँ पर मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया और इसको तकरीबन पंद्रह से बीस मिनट लगेंगे ताकि जो दाल है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद जो है वो दाल अच्छे से गल चुकी है और पानी भी उसने अपने अंदर सारा सो कर लिया है और बाकी जो है वो वेपोरेट हो गया तो दाल देखें अच्छे से गल चुकी है अब मैं इसके अंदर जो है जो राइस मैंने भिगोए हुए हैं वो ऐड कर दूँगी अच्छा यहाँ पे जो मैंने हिसाब किया था मतलब क्वान्टिटी का जो दाल थी मेरे पास ये थी क्वार्टर कप लेकिन जो राइस है मेरे पास वो हाफ कप है तो राइस आपने थोड़े से ज़्यादा ही रखने हैं डबल रखने दाल से अब मैंने यहाँ पर राइस ऐड कर दिए सो किए हुए और साथ में पानी ऐड कर दूँगी पानी आपने इतना ऐड करना है कि चावल उसमें अंदर डिप हो जाए अगर थोड़ा सा पानी आप ज़्यादा भी रख लेते हैं तो अच्छी बात है खिचड़ी थोड़ी सॉफ्ट बन जाएगी और बेबीज़ को जो है खाने में आसानी रहती है तो बस यहाँ पर जब थोड़ा सा पानी जो है वो ड्राई होने लग गया तो उसको मैंने दम पर रख दिया था और यहाँ पर देखें खिचड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है साथ साथ अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आ रही हो आज की रेसिपीज़ अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको आज की रेसिपीज़ कैसी लगी हैं और अगर आपके आपकी भी कोई स्पेशल रेसिपी है जो आप ट्राई करते हैं खुद अपने बेबी के लिए तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा तो और चैनल पर अगर आप मेरे फ़र्स्ट टाइम आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छा यहाँ पर खिचड़ी में ना मैंने उस दिन बनाया हुआ था खाने में कुछ ऐसा बनाया था जिसमें मैंने आलू यूज़ किया था तो मैंने वो भी आलू के पीस जो वो इसमें डाल दिया था तो इस तरह से आप कोई वेजीज भी, भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आप खिचड़ी के साथ बच्चों को दे सकते हैं ताकि वो और हेल्दी और टेस्टी हो जाए और नेक्स्ट रेसिपी है यहाँ पर पोटैटो फ्राइज़ की जिनको मैंने फ्राइज़ को पहले कट कर लिया था और अच्छी तरह से उसको मैंने बॉईल कर लिया पहले पानी में तकरीबन तो इतना आपने बॉईल कर दें कि अच्छे से मतलब वो 80 परसेंट कुक हो जाएंगे वहाँ पे उसके बाद मैंने उसको यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है और मैंने पहले पानी जो है वो पेपर से उसका अच्छे से जो है वो साफ़ कर दिया ताकि जो ड्राई कर लूँ उसको पानी को और बाद में मैंने उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया और मैं इसको भी यहाँ पे शेलो फ्राई कर लूँगी अब डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जो पोटेटो फ्राइज़ हैं वो ऑलरेडी गल चुके हैं अच्छे से तो मुझे जो बाकी का थोड़ा सा इसको टेंडर करना है वो इस तरह से चलो फ्राई में ही हो जाएगा थोड़ा सा मैंने जो है फ्राइज का जो साइज है वो थोड़ा सा मोटा रखा है और पीसेस जो हैं थोड़े से बड़े बड़े रखे हैं ताकि जो है एक ही पीस में अच्छी क्वांटिटी आ जाए और जो है थोड़े सॉफ्ट भी बनेंगे अच्छा यहाँ पे ना आपको ज़्यादा इसको कलर देने की ज़रूरत नहीं है हल्का सा बस क्रिस्प हो जाए और लाइट गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो ये बिल्कुल कुक है और क्योंकि अगर क्रिस्पी लेयर ऊपर आ जाएगी तो बच्चे को खाने में मुश्किल होगा यहाँ पर मैंने बहुत लो फ्लेम रखा हुआ है ताकि ज़्यादा जो है वो क्रिस्पी लेयर ना ऊपर आ जाए और इसीलिए मेरे यहाँ पर थोड़ा जो ऑयल है वो भी बहुत थोड़ा रखा है ताकि फ्राई होगा तभी जो है ये सॉफ्ट बनेंगे और बस यहाँ पे मैं इनको तकरीबन तो तीन से चार मिनट के लिए स्टर फ्राई कर लूँगी ताकि जो है वो ओवर कुक ना हो जाए और ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है तो बस यहाँ पे ये फ्राइज जो है रेडी हो चुके हैं अच्छा जो लास्ट रेसिपी है उसकी मैं वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वीडियो मैं सेव नहीं कर पाई लेकिन मेरे पास पिक थी तो मैं आपके साथ शेयर जरूर कर देती हूँ ये रेसिपी भी और इसमें क्या मैंने किया था नीम गरम दूध लिया था और मतलब हाफ कप और उसके अंदर मैंने फुल एक पूरा पैकेट जो तीन चार बिस्किट का होता है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था उसको अच्छे से सोक कर दिया था बिस्किट को ताकि वो उसमें सिरेलेग जैसा जो है वो एक मिक्सचर सा बन जाता है तो ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी रहता है इसमें आप जो विदाउट क्रीम बिस्किट होते हैं आप वो यूज़ करें स्पेशली जो मिल्क और एग के बने होते हैं आप वो यूज़ करें नहीं तो आप मेडिकेटेड बिस्किट भी ले सकते हैं बच्चों के लिए वाइटमिनस के तो ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी रहते हैं बच्चों को स्नैक के तौर तो पर भी आप दे सकते हैं इस तो आज की एंड करती हूँ आई होप कि आपके लिए वीडियो जो है ये यूज़फुल रहेगी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अल्लाह हाफिज़